जैसे हम आपको तंज मारते हैं, ना उसकी मजाक झिलेगी, ना उसकी भाषा झिलेगी, ना उसका कर्म झिलेगा, है सब चीज से इनको नफरत होगी। और सबसे बड़ी नफरत तो एक ही है, वो लड़की पीडीए की है। पीडीए की है सबसे बड़ी नफरत है, करोड़ की वो एससी की लड़की है और उस पीडीए परिवार से आती है और उनसे तो सभी नफरत करते हैं ये जो उच्च लोग हैं। लेकिन 80 करोड़ है पीडीए परिवार, ऐसे ही नहीं है भारत में, तो इसीलिए तो डर है इनको कि जिस दिन ये 80% आ गया तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, जिस तरीके से वो वायरल हो रही है, जिस तरीके से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के तो एक ही नाम आता, शिवानी जिंदाबाद, शिवानी हमको में जिता रहे हैं, शिवानी हमको में वोट कर रहे हैं, ही जाएगा किसी को इस चीज के लिए कि एक छोटी सी गांव से। एक चीज है, मैंने ये अपने ऊपर देखा, मैं एक गांव का, मुझे कौन जानता था, सही बात है, कौन जानता था, कुछ लोग जानते होंगे आसपास, वो आपको बिग बॉस में भेज देंगे, ये सारे भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, एक नहीं बचेगा, इनकी अकल सुधार दूंगा। जो 100 करोड़ से भी ज्यादा किसान है इस देश में, और आप चले गए तो फिर जलवायु, सारे भाग जाएंगे, एक नहीं बचे। ये बिग बॉस बंद हो सकता है, जब बिग बॉस भी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि टीआरपी यहां पे पहुंच जाएगी, जब उसमें बचेगा नहीं कोई, अच्छा सारे भाग जाएंगे। वो तो एक बेटी है, जिस दिन ये पहुंच गया धरती पुत्र, चल गुरु, तो इनको आसमान दिखा दे, पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड बता, 985 कर कर, ये बंद क्यों हो रहा बार बार, पता नहीं। आपके पसंदीदा दीपक चौरसिया भी है उसके अंदर, चेयर पे इसने कहा मेरा पसंद है। अरे आप तो मीडिया को बहुत ज्यादा करे आते हो, तो वो कौन है जिसकी दुकान कहीं ना चल रही हो, दलाली कहीं ना चली हो, वो पता नहीं बिग बॉस में कैसे चला गया। दो बीवी वाले अरमान जो है वो बहुत, मैं किसी उस पर नहीं कहता, बीवी रखना नहीं रखना ये पर्सनल किसी का, खुद दो बीवियां हो चरित्र में सवाल उठ जाता है, मैं फिर उसको बदतमीज बोलना, मुफट बोलना, फिर आप गलत जगह ले जाओ, ये अलग चीज है। अच्छा, मैं सिर्फ उस पे बात करता हूँ जो मुद्दे की बात है। मुद्दा ये है कि किसी को भी गलत बोलना, वो लड़की है अपनी मेहनत से गई है, किसी के रहमो करम पर नहीं गई, किसी कोई गॉड फादर नहीं है उस बेटी का, वो गई है, तो सपोर्ट तो बनता है, सपोर्ट तो बनता है। अगर पीडीए अपने बच्चों का भी सपोर्ट नहीं कर सकता तो फिर रहना बेकार है, फिर क्यों हम अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करता, जब हम अपनों की मदद नहीं कर सकते तो हमारी कौन करेगा। तो कमेंट सेक्शन में ये आ रहा है कि ताऊ अगर आप चाहो तो उसको कल नेता बना दो, सांसद बना दो, विधायक बना दो, मेरे हाथ में होता तो मैं खुद नहीं बन जाता देश का प्रधानमंत्री, ये मेरे हाथ में नहीं, जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। और उस बेटी को जब इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या पता कल देश की प्रधानमंत्री बन जाए, किसी को पता नहीं, बन जाए कि किसी, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये बेटी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। बड़ी बात है, नहीं बताओ आप, नहीं सही बात है। देखिए देश में हर व्यक्ति को बनने का अधिकार है, बाकी बनाना जनता के हाथ में, तो जनता बनाती है और जनता पता नहीं किसको आसमान पर बैठा दे और किसको जमीन में मिला दे, यही जनता है। जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी एक्सपायर हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी जी, वो राजीव गांधी जी चुनाव लड़े थे तो 415 सीट आई थी, भारत के इतिहास में सबसे जलवा था, जलवा था, और अगली बार वो हार गए थे। कुछ भी हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये जनता है, हैं? नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनाया, ये सारे राम भक्त बने थे और जो अयोध्या वासियों ने इनको हरा के घर भेज दिया। अभी सबसे मेन बात ये है कि जो हमने अपनी ऑडियंस टारगेट करी है, जो आपको जानते हैं उनसे अलग हट करके जो महिलाएं हैं जो शिवानी को ज्यादा सपोर्ट करती है, बेटी, उन लोगों का कमेंट आ रहा है कि ताऊ जी आप छा गए, ताऊ जी नहीं, ताऊ नहीं छाया, ये बेटी छा गई। अच्छा, और कोई मेरे बारे में लिखता है, नए लोग आए तो उसके लिए धन्यवाद है, हाथ जोड़ के धन्यवाद है। ताऊ तो ऐसा ही है, ताऊ ने कसम खाई है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी, सबके साथ दिखाई, जिसके साथ भी सरकार अन्याय करेगी ताऊ खड़ा मिलेगा, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी हैसियत है उससे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध है कि शायद ताऊ तो इतने ऊपर ना पहुंच पाए, ये बेटी पहुंच गई तो इसे सपोर्ट करें। तो आप बिग बॉस पहुंचोगे नहीं, आप बिग बॉस में जाइए आप भी। कैसे जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं बस,
आप में है वो काबिलियत, जनता आपको पसंद करती है, जानती है। जनता जानती है तो पहुंचेंगे कैसे? हाँ। क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है? फॉर्म नहीं, वो अपने आप ही बुलाते हैं। अच्छा, वो बुलाते हैं। हाँ। जिस दिन ताऊ को बुला लिया बॉन्डर हो जाएगा, इस देश में कोई बचेगा नहीं। उसमें बिग बॉस में जितने लोग आएंगे वो तो बचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगे, वो तो बचेंगे नहीं। हर एक एक का बदला लूंगा, शिवानी जैसी बेटी का एक एक का बदला ले लूंगा सबसे। तो इसलिए मैं बेटी को कहता हूँ, घबरा हाँ। मत, तेरे पीछे 140 करोड़ की जनता खड़ी है। ताऊ भी है क्या? ताऊ तो है, मैंने ना उस बेटी को देखा अभी तक, तो तुमने उसकी फोटो भी नहीं दिखाई मुझे कि वो बेटी कैसी है। लेकिन इतना मेरा वादा है कि अगर वो जीत करके आई या हार करके आई, जैसे भी आई, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया तो ये ताऊ जाएगा, हम ले ये ताऊ जाएगा। और अगर वहाँ मिलने में कोई पाबंदी हुई तो उस मिट्टी को सलाम करके वापस आ जाए। गंवार बता रहे हैं उनको, शिवानी को कह रहे हैं गंवार है, गांव के तो गांव के हैं तो तुम गंवार हो, बोलने की तमीज नहीं। देखिए, तमीज तो हमें सीखनी नहीं, हमें किसी से नहीं सीखनी, जो हमारे माँ बाप हमें सिखा करके गए, जो उसके माँ बाप उसको सिखा करके गए, वही तमीज रखनी है। भाषा हम बदलते नहीं, और तो हम वो नहीं है क्या, कौवा चला हंस की चाल वो अपने भी भूल गया। तो हमें कौवा नहीं बनना, हम जैसे हैं ऐसे ही दिखते हैं, और ये ताऊ ऐसा ही तो था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। देश की जनता प्यार करती है, उसका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन हूँ ऐसा ही। आज भी जनता फोन करती है, उठता है फोन,